मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई दिल्ली में उद्योगपतियों से कहा कि झारखंड में निवेश की इच्छा शक्ति दिखाए, सरकार हर संभव मदद करेगी। राज्य में सरकार खड़े होकर उद्योग की स्थापना में मदद करेगी। कोरोना संकट के कारण सुस्त पड़ी राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए झारखंड सरकार ने दिल्ली में सोमवार को इमर्जिंग झारखंड का आगाज किया। इसका मकसद निवेश की संभावनाओं की तलाश करना और निवेशकों को आकर्षित करना है। राज्य में बन रही नई औद्योगिक नीति को लेकर सलाह मशवरा करना था, जिससे उनके सुझावों को शामिल किया जा सके। इमर्जिंग झारखंड स्टेक होल्डर्स मीट ड्राफ्ट इंडस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2021 कार्यक्रम का मकसद उन्होंने बताया। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में बजट सत्र के बीच स्टेक होल्डरों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। कोरोना के कारण देश को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। ऐसे में झारखंड सरकार ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है। आने वाले समय कुछ ऐसे लकीरें खींची जाए, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित की जाए जिससे आपके साथ साथ झारखंड को मिले, झारखंड के लोगों को मिले, किसी भी राज्य और देश को विकास करने के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं, लगभग वो सभी आवश्यक चीजें हमारे राज्य में पहले से ही मौजूद है। मैं नहीं समझ सकता हूं कि हमारे राज्य में किसी चीज की कमी है, किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए। हमारे पास कमी है तो मात्र एक ही कमी है, वो है जो हमारे पास चीजें हैं उसको तराशने का व्यवस्था, उसका वैल्यू एडिशन कैसे हो। हमारे पास हीरा है लेकिन हीरा कटिंग करने का, उसको तराशने का हमारे पास व्यवस्था है। हमारे राज्य में जो चीजें, जो संसाधन है हमारे पास, हम उसका वैल्यू एडिशन कर पाए तो हमारे राज्य की जो आंतरिक स्रोत का जो भंडार है उससे राज्य को देश के अग्रणी राज्य में खड़ा किया जा सके।